ममता दीदी ठीक है यहाँ पे। अच्छा क्यों, आपको क्या लगता है वो आपके जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया है, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सबको सबसे बेहतरीन ममता दीदी, ममता दीदी हाँ, क्या लगता है इस बार ममता दीदी को कितनी सीट आएगा, कितनी सीट मिलेंगी? इन बार 294 सीट है, 294 सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो कितना सीट मिलेगा उनको? जितना सीट में लड़े लेकिन फास्ट वो रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, अभी हम लोग ग्वालपोखर में हैं और ग्वालपोखर विधानसभा है बंगाल का, और ये जगह का नाम क्या हुआ? मोनीबिटा हाई स्कूल। यहाँ पे आप हाई स्कूल देख सकते हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पहले से हाई स्कूल भी है, और मोनीबिटा इस चौक का नाम हुआ, और साथ साथ ये बंगाल में ग्वालपोखर से है। यहाँ पे भाजपा बनाम ममता दीदी है, और यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं इस बार, क्या इस बार ममता दीदी 10 साल के एवज और 10 साल के अलावा भी और 5 साल रहेंगी, या फिर मोदी का खेल चलेगा यहाँ पे। अभी मामला ये है कि एक तरफ खेला हुए बात चल रही है और एक तरफ विकास हुए बात चल रही है, जिसमें जनता जनार्दन है, जनता ही नेता चिंता है और जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए यहाँ की जनता से पूछते हैं कि आखिर इस बार ममता दीदी रहेगी, उसका कैंडिडेट जीतेगा या फिर भाजपा का? चलिए यहाँ पे एक अंकल उनसे बात करते हैं जी। पहले आप अपना नाम बताइए। मुख्तार आलम। मुख्तार आलम साहब, क्या काम करते हैं आप? दुकान है मेरी। दुकान यहीं पे? दुकान है यहीं पे। तो ये बताइए कि इस बार क्या होने वाला है बंगाल में? बंगाल में हाँ, ममता को जीतना है। ममता जीतेगी लगता है आपको? लेकिन उसके लिए आप देखिएगा इस बार की भाजपा पूरी मजबूती से पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत झोंक दी है यहाँ बंगाल जीतने के लिए। क्या लगता है यहाँ उसका ये ताकत काम नहीं आएगा? ताकत काम नहीं आएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ताकत काम नहीं आएगा? काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप काम करने का मौका दिए जो वो काम करे। आप तो ममता दीदी को 10 साल से जाके रखे हैं। ममता दीदी ठीक है यहाँ पे। अच्छा क्यों, आपको क्या लगता है वो आपके जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सबको लग रहा है, मुझे क्या, सबको लग रहा है, सबको लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ममता दीदी की एक होनहार सिपाही बोले मिथुन दा टीएमसी के नेता थे, तो वो टीएमसी छोड़ करके अभी वो भाजपा में गए हैं, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा टीएमसी को, ममता जी को? नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत? चलिए आप एक अंकल से बात, अंकल इधर आइए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद यासीन साहब। आपकी उम्र कितनी होगी? 50 साल। 50 साल, ये वो बताए 50 साल उम्र हो गया है, तब से लेकर अब तक आपको सबसे बेहतरीन ममता दीदी हाँ। क्या लगता है इस बार ममता दीदी को कितनी सीट आएगा, कितनी सीट मिलेंगी? इन बार 294 सीट है, 294 सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो कितना सीट मिलेगा उनको? जितना सीट में लड़े लेकिन फर्स्ट वही रहेगा। मुख्यमंत्री इनके बनेगी, क्योंकि उसके अंदर कम्युनल नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है उसके अंदर, भाई। अच्छा एक बात, हिंदू मुसलमान से बात याद आई कि योगी जी आए थे और योगी जी ये कह के गए कि बंगाल के हिंदू खतरे में है, क्या लगता है सच में यहाँ का हिंदू खतरे में है? खतरे में है, ये है हिंदू खतरे में है, ये है। हिंदू नहीं, मुस्लिम, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। ममता दी रहते हुए कैसे मुसलमान खतरे में है? मुसलमान हेड तो वो है, हेड तो है वो है, नोटबंदी करता है, हिंदू मुसलमान में राइट करता है। अच्छा क्या लगता है कि अगर ममता दी यहाँ से जीत जाती है दोबारा, तो NRC अगर लागू होगा केंद्र सरकार की द्वारा, तो रुक पाएगी रोकेगा? विश्वास है आपको? हाँ पूरा विश्वास है। चलिए अभी एक पान वाला है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा? प्रदीप मंडल जी, तो ये बताइए कि क्या यहाँ के हिंदू खतरे में बंगाल के? नहीं, तो योगी जी का बयान है कि यहाँ के हिंदू खतरे में है, तो क्या लगता है कि ममता के राज में हिंदू खतरे में नहीं है? नहीं, क्या होगा यहाँ पे इस बार, ममता फिर से बनेगी या फिर यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाजपा बनेगी सरकार? ममता बनेगी। तो ये हमारे अंकल है और ये इनका कहना ये है कि ममता फिर से दोबारा बनेंगी। यहाँ पे भाई है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा? अफसर आलम भाई। अफसर आलम, क्या करते हैं आप? हम रहते हैं आउट ऑफ कंट्री जी। तो इस बार आप घर पे हैं जी, वोट दीजिएगा इस बार आप कि क्या पहला वोट दे रहे हैं? इससे पहले भी वोट दीजिए? पहला वोट दीजिएगा यानी आपका पहला वोट है, और पहला वोट आप किसको देंगे? ममता बनर्जी को। आखिर क्यों ममता बनर्जी को देंगे? बहुत काम किया, डेवलपमेंट बहुत किया, अच्छा के लिए, मुसलमान के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए भेदभाव नहीं है, अच्छा काम किया। देखते हैं डेवलपमेंट, उसको साइकिल, वकील, कन्नासरी, उन्नासरी, वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, वो योगी जी कह रहे हैं यहाँ के हिंदू खतरे में, क्या लगता है? हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के साथ एक साथ रहते हैं, तो आज एक पर्व है, दोनों का पर्व है जी, होली भी है और शबरात भी है। क्या लग रहा है कि कैसा आज का पर्व मनाया जा रहा है?
भाई, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम हम लोग सवेरे रात मनाते हैं, हिंदू लोग तो हिंदू ही लोग होली मनाता है भाई।